नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज सोमवार 5 अक्टूबर। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते के अंदर हमने कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर काफी मिलाजुला ट्रेड होते हुए देखा, जहां हमने ऑलमोस्ट 1% की तेजी कॉटन, कॉटन सीड ऑयल केक और कपास तीनों में ही बनते हुए देखा। कॉटन की अगर बात करें तो जिस ढंग से हमने पिछले हफ्ते कहा था कि 18,000 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन करता है तो बड़ी तेजी हम देख पाएंगे, और वैसा ही हो रहा है। प्राइजेस ने 250 रुपए की लीड ले चुका है। अभी भी शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइजेस में खिंचाव कंटिन्यू रहेगा। जिस ढंग से हमने देखा अराइवल चालू जरूर है, बट मॉइस्चर कंटेंट सीवियरली है। कुछ कुछ जगह पे हमने 40% तक भी मॉइस्चर कंटेंट बढ़ते हुए देखा है, जिसके चलते हमने देखा है कि प्राइजेस में थोड़ा सा सपोर्ट मिला हुआ है। वहीं अच्छे क्वालिटी की जो डिमांड है वो बनी हुई है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में हमने फ्रेश बाइंग बनते हुए देखी। प्राइजेस 1800 के ऊपर क्लोज होना काफी इंपॉर्टेंट था और वैसा ही हुआ। जिस ढंग से हमने देखा प्राइजेस 1800 के ऊपर वेल मेंटेन है। एक छोटा हार्मोनिक पैटर्न भी बना हुआ है जो कहीं ना कहीं 1880 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। वहीं अगर कपास की बात करें, कपास में भी हमने वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा बिल्टअप होते हुए देखा है। करीबन 10% से ज्यादा का वॉल्यूम बिल्टअप हुआ है। ओआई में ड्रॉप है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि शॉर्ट कवरिंग मार्केट में है, और हो सकता है ये हफ्ते में हम 1060 तक का भी लेवल हम कपास में आते हुए देख पाए। ओवरऑल काउंटर बुलिश रहने की उम्मीद है। पूरे कॉम्प्लेक्स अगले हफ्ते तेजी का रहेगा। इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो इंटरनेशनल में भी हमने देखा 65 सेंट के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल मना हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट डोमेस्टिक मार्केट पे भी इम्प्रूव करता हुआ दिखाई देगा। अराइवल नो डाउट चालू हो चुके हैं, बट क्रॉप डैमेज की वजह से हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र में जो हैवी रेन हुआ है, इसके चलते हमने देखा प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। सप्लाई साइड भी हमने देखा है कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर थोड़ा सा कंसर्न है, जिसके चलते डिमांड में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है। जिस ढंग से एडिबल ऑयल प्राइसेस में गिरावट का रुख चालू हो चुका है, ये कहीं ना कहीं एक जो ऑयल एक्टिविटी कॉटन सीड ऑयल केक के लिए चल रही थी उसमें अगर कमी आती है तो प्राइजेस खल के बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो इनकेस ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये हफ्ता तेजी का रहेगा। चार्टिकली भी अगर हम बात करें तो कॉटन आइस पे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यू होल्ड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है 66-90 तक का लेवल हम देख पाएंगे। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो प्राइजेस बिल्कुल इचिमिको क्लाउड के ऊपर है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। इंडिकेटर भी सब पॉजिटिव है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि कॉटन सीड ऑयल केक ये हफ्ते में तेजी का रुख ला सकता है। जब तक प्राइजेस 1800 के ऊपर होल्ड है, वीकली बेस पे हम 1880 तक का भी लेवल देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक हम नए से नए वीडियो ला सके और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे